अच्छा, ये आपके पास कॉर्ड डॉट एच में कंस्ट्रक्टर था, ये कर दिया था, लेकिन इसके जो कॉर्ड डॉट सी पी पी के अंदर था, कॉर्ड डॉट सी पी पी में तो है ही नहीं। अच्छा, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, वो देखो नीचे आपको ग्रीन लाइन दे रहा है कि आपने ये फंक्शन बनाया लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया आपने, तो आपने यहाँ पे खुद ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बी और डबल सी कर दो, कुछ भी नाम दे दो आप इसको। नंबर में आपके पास आ जाएगा दिस डॉट नंबर में आपने सेट कर दिया इज इक्वल टू बी, और दिस डॉट प्राइस क्रेडिट में आपने सेट कर दिया सी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा लेकिन हो जाएगा ठीक इसको। अभी मुझे पहले का पूछ रहा है, दूसरे का, तीसरे का, तीन कार्ड्स हो गए और तीन नंबर हो गए, फिर नंबर एरर दे रहा है। एक नंबर ठीक आ रहा है 78787 वाला, दो सही नहीं आ रहे, उसको हम देख लेंगे क्यों सही नहीं आ रहे, वो ऐड वो कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। अब इसमें मसला ये है कि जब मैंने आपको कहा था कि कार्ड हम ऐड करें, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो कार्ड में तब होगी ना कि जब वो यूज़र परचेज़ करेगा, अभी तो परचेज़ नहीं हुआ और अब अभी हम सिर्फ शॉप में ऐड करें, तो अभी हम क्यों उसकी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कार्ड के थ्रू इसमें परचेज हो टेंशन सकता है। लेने की ज़रूरत क्या है? तो आप बोलो दो ना कि इस फंक्शन को बाद में कॉल कर लेंगे, टेंशन ले रहे हो। अभी ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो कार्ड तो ऐड हो जाएगा ना, सिर्फ उसके अंदर पैकेज ही सेट नहीं हुआ होगा, पैकेज जब बंदा कोई परचेज करेगा पैकेज तब सेट हो जाएगा। ठीक हो गया कि मैं अभी क्या करता था, एग्रीगेशन कर रहा था सिर्फ। अभी तक मैंने किया है कि मूवीज़ हैं मेरे पास, आपकी क्लास 11 बजे तक है ना, आप यानी मूवीज़ हैं आपके पास, मूवी शॉप थी, मूवी शॉप में हमारे पास मूवीज़ होती हैं और उसमें कार्ड होते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, पहले मूवीज़ अपनी बनाई हैं सारे सिस्टम के अंदर, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ सारा, कि पहले क्या था आपके पास, मूवी शॉप की सीपीपी बनाई थी जिसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन थे, एक मूवीज़ को ऐड करना और कार्ड को ऐड करना, वो सिंपल सा था कि जो एरे थी उसके अंदर आप वन बाई वन चीज़ों को ऐड कर रहे हो। दूसरे में आपके पास क्या था कि कार्ड है, कार्ड में आप वन बाई वन कार्ड को ऐड करो, साथ में काउंटर चला रहे हो कि मेरे पास कितने हैं। अब आपके पास आ गया ये वाला मूवी शॉप में कि आप उसको कर रहे, अच्छा ये आपके पास कार्ड नंबर है, ठीक हो गया, ये हमने सही यूज़ किया है, ऐड मूवीज़ के अंदर मूवी काउंटर यूज़ हुआ है, मूवी साइज़ है और मूवी काउंटर है, यहाँ पे कार्ड साइज़ कार्ड कार्ड काउंटर, सर यहाँ पे एम की जगह सी क्यों ये दोनों चीज़ें, अच्छा एम काउंटर हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा, ठीक है ठीक है सर, मूवी काउंटर और कार्ड काउंटर दोनों एम ही आ रहे हैं, एम यहाँ से आ रहा है जो हम कॉल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्प्ले किया हुआ है कि सारी मूवीज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाए हमारे पास, और सारे आपके पास जितने भी कार्ड्स हैं हमारे पास मूवी शॉप के अंदर, वो भी अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं देखूं वो भी वो अब देख सकते हैं कार्ड, ठीक हो गया। ये काम किया था मूवी के अंदर, फिर कार्ड के अंदर मैंने क्या किया है, कार्ड के अंदर मैंने एक गेट सब्सक्रिप्शन के नाम से बनाया था कि कोई बंदा यानी कौन यूज़र ने कौन सा सब्सक्रिप्शन ली हुई है वो पता लग सके हमें, करंट जो सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद ये वाली जो है आपके पास कि गेट पैकेज के नाम से, एक मतलब ये है कि इसमें हम पैकेज सेट करेंगे कि यूज़र का पैकेज कौन सा होगा और सब सेट सब्सक्रिप्शन के यूज़र ने कौन सा पैकेज उसको कर रहे हैं, ये वाला जो फंक्शन है उसके अंदर ही खुद ब खुद कॉल हो रहा है। कॉर्ड डॉट सी पी पी में जाते हैं तो आपने देखा कि ये वाला सारा फंक्शन है, पहले मैंने एक खुद के पैकेजेस बनाए हुए हैं हार्ड कोड करके दो, उसके बाद मैंने जो पैकेज बनाए थे उसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ यूज़र के सामने कि आपके पास ये दो पैकेजेस में से आपने कौन सा लेना है, उसमें वो बताता है चॉइस और वो सेट पैकेज होकर उसके है। ये हो गया यहाँ तक, और मेन के अंदर फिर मैंने मूवी M1 बनाई है, M2 बनाई है, M3 मूवी बनाई है, उसको मैंने मूवी शॉप में ऐड कर दिया, फिर कार्ड बनाए तीन और उस तीन कार्ड्स को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं सिर्फ रेफरेंस पास कर रहा हूँ क्योंकि एग्रीगेशन हुआ हुआ है, तो रेफरेंस पास कर रहा हूँ, पूरा ऑब्जेक्ट उसके अंदर एज इट इज़ नहीं जा रहा, उसका सिर्फ एड्रेस जा रहा है, और ये वीक है। अगर मैं अभी ये सारी चीज़ें ये ख़त्म कर दूँ और तो ये अब आपके पास ये डाटा भी पड़ा हुआ है, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कार्ड को ख़त्म करूँगा तो सब्सक्रिप्शन जो उसके अंदर डाटा है उसका वो ख़राब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास डायग्राम में अभी तक हमने क्या किया है, मूवी और मूवी के अंदर मैंने किधर गया है, ये इसके अंदर ऐड कर दिया और कार्ड को भी क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक हो गया। और कार्ड के अंदर जब हम कार्ड जनरेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे दो और उसके अंदर वो सेट हो जाएंगे।
अब हमारे पास है कि जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, मूवी को सर्च कर सकता है, यानी मूवीज को सर्च कर सकता है और उसको ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, क्या मतलब है? ठीक है सब कुछ। अब यहाँ के यहाँ पर इसकी लॉजिक बनानी है कि कस्टमर क्या करता है। यहाँ पे एक एसोसिएशन है मूवी शॉप के बीच में कि कस्टमर सर्च कर सकता है मूवीज को। मैंने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, या सर्च क्यूरी भी कोई डाल सकते हो वहाँ पे, आप स्ट्रिंग्स को मैच कर सकते हो कि अगर ये वाली स्ट्रिंग हमें मैच कर रही है तो उसके अगेंस्ट, वो भी आप कोई भी कर सकते हो, या सारे डिस्प्ले कर दो या कोई स्ट्रिंग मैच करा के वहाँ पे आप डिस्प्ले कर दो कि मेरे पास ये मूवीज इस स्ट्रिंग से मैचेस पड़े हुए हैं। सर्च का फंक्शन हो गया, कस्टमर वो सारी मूवी सर्च करेगा, फिर उसमें से उसके पास ऑप्शन होगा कि ऑर्डर करेगा। अब ऑर्डर में क्या है कि मूवीज़ के अंदर एग्रीगेशन भी है कि जब ऑर्डर होगा तो जो जो सी मूवीज़ वो सिलेक्ट करेगा वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगी ऑर्डर में, और उसके बाद ऑर्डर कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर का जो फंक्शन होगा कस्टमर की क्लास में कॉल होगा और उसके अंदर जो मूवीज़ होंगी वो एग्रीगेट होंगी जो वहाँ से आ रही हैं। ठीक है, ये ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। सही है, कैसे पता चलेगा कि कस्टमर सब्सक्राइबर है कि नहीं, के बीच के उसे रेंट भी हम कर सकते हैं कि नहीं। उसने अब ये आपने क्वेश्चन ठीक किया है कि उसकी वो सब्सक्राइबर है या नहीं है, तो कस्टमर हमने वहाँ पे भी एक एसोसिएशन लगाई थी ना कि कस्टमर ने कार्ड लिया हुआ नहीं लिया हुआ कस्टमर के पास। अब पहले हमें वो करना चाहिए ना, फिर पहले तो हम ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि वो वाला काम तो हमने नहीं किया ना, कस्टमर ने कार्ड अभी तक लिया नहीं है। ठीक हो गया, तो कस्टमर ने अभी तक कार्ड लिया नहीं है, हमारे पास क्या होगा जो शॉप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि कस्टमर का डाटा ऐड होगा और कस्टमर्स वो अपने वो कार्ड लेंगे। अब ये भी एक है कि आपके पास जो कस्टमर का डाटा होगा वो हम कस्टमर एक जनरेट करेंगे जिसके अंदर उसका नाम होगा और वो एक तीन तीन कार्ड मैक्सिमम ले सकता है। सेम काम हम इसमें भी यही करेंगे कि एक कार्ड है उसका एक पॉइंटर बना देंगे सी के नाम से, और उसके अंदर एक इंट साइज होगा और एक इंट काउंटर होगा कि उसने कितने लिए हुए कार्ड और अभी वो ले कितने सकता है। ले वो सकता है सिर्फ 3, लेकिन काउंटर उसका क्या है 0, अभी तक उसने 0 लिया। अब अगर काउंटर 0 हुआ पता लग गया कि सब्सक्राइबर नहीं है वो। अगर काउंटर 1 हुआ तो सब्सक्राइबर है, 2 हुआ तो भी सब्सक्राइबर, 1 से ज़्यादा होगा तो सब्सक्राइबर, अदरवाइज वो सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन मैं इसके अंदर हम यही करते हैं कि कार्ड फिलहाल एक ही रख देते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कार्ड सही है। पॉइंटर बना दिया एक का और काउंटर को रहने देते हैं, उसे पता लगेगा हमें कि सब्सक्राइबर है या नहीं है, लेकिन उसको हम सिर्फ अभी एक ही कार्ड का करेंगे और एक से ज़्यादा नहीं परचेज कर सकेगा। परचेज सब्सक्रिप्शन का फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लेकिन अब आप इस क्लास डायग्राम को देखोगे कि कार्ड है, कार्ड आपके पास पड़े हुए हैं मूवी शॉप में और मूवी शॉप से ही वो बंदा कार्ड परचेज करेगा, और कस्टमर ने क्या करना है, यहाँ पे एक और एसोसिएशन भी बनेगी, कस्टमर ने मूवी शॉप से क्या करना है, कार्ड को परचेज करना है। लाइक कस्टमर ने मूवी शॉप का ऑब्जेक्ट कॉल करके सारे कार्ड्स को डिस्प्ले कर देना है और उसमें से फिर कस्टमर ने चूज़ करना है और वो सेलेक्ट कर देगा, जैसे ही वो सेलेक्ट कर देगा वो अपना पैकेज भी सिलेक्ट करेगा और वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसको करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो मूवी शॉप है वहाँ पे एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जहाँ से हम कार्ड्स को ले सकें। हमने नहीं बनाया ना कस्टमर सर्च कैसे करेगा कार्ड्स को, मूवी सर्च का भी एक फंक्शन बनेगा एक्स्ट्रा और कार्ड सर्च करने का भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनेगा। ये वीडियो जब तुम लोग घर में जाओगे ना तसल्ली के साथ तब समझ आएगी। हाँ ये आपकी लॉजिक भी डिपेंड करता है ना, अब ये मैं जब ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो आप इसको देख के अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो ना पूरा, मैं कर दूंगा आज ही अपलोड कर दूंगा। क्या हुआ? अच्छा, क्योंकि हमें अभी हमने क्या करना है, कार्ड्स को हमारे पास जितने कार्ड्स मूवी शॉप में पड़े हुए हैं उसको हमने गेट करना है, वो शॉप से गेट करने के बाद उसको सिलेक्ट करके यूजर ने परचेज करना है। वो कैसे होगा कि मूवी शॉप जो है मूवी रिटर्न करेगा, रिटर्न मूवी कर दो, ये मैंने क्या कर दिया फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन की मैं इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मूवी शॉप के अंदर, मूवी यहाँ पे आ जाएगा मूवी शॉप
रिटर्न मूवी करके यहाँ पर अभी इसकी लॉजिक कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? हमारे पास जितनी मूवीज हैं वो हमने पहले दिखानी है कस्टमर को कि ये सारी मूवीज हैं, वो फिर उसमें से सिलेक्ट कर देगा कि कौन सी मूवीज लेनी है कौन सी नहीं। मैं यार तुम लोग भी अजीब ही हो, हम मूवी कर रहे हैं, हम कार्ड कर रहे हैं, कार्ड परचेज कर रहे हैं तो कार्ड आएगा ना, तुम लोग सारे सोए हुए हो, कार्ड आ जाएगा यहाँ पे आपके पास कार्ड आ जाएगा। और रिटर्न कार्ड हो जाएगा, जब ये रिटर्न कार्ड हो जाएगा अब हमने क्या करना है कि मूवी की उसमें जाकर आपने देखना है सी है तो सी का जो काउंटर उसके अंदर कितने हैं, यहाँ पे आपने एक सी आउट कर देना है, सी आउट सिलेक्ट कार्ड, वो एक कार्ड सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट कार्ड करने के बाद सिंपल सी चीज़ें हैं, जस्ट एक से उठा के दूसरे में अपने ऑब्जेक्ट को सेव करना है। उसके बाद फॉर इंट करके इंट कहाँ तक जाएगा, कार्ड के काउंटर तक जाएगा, कार्ड अंडरस्कोर काउंटर तक जाएगा ताकि जितने हमारे पास कार्ड ऐड हैं सिस्टम के अंदर या मूवी के अंदर, मूवी की क्लास, मूवी शॉप की क्लास के अंदर, तो उतने ही कार्ड वो डिस्प्ले कर सके। यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे कार्ड के अंदर उसका क्या कि कार्ड है, उस एंडल करने के बाद मैं कर दूंगा कि यहाँ पे उसका है नंबर, उसका क्या है इस कार्ड का, क्या होगा कि आपके पास सी ऑफ आई डॉट गेट नंबर, उसके बाद है यहाँ पे आ जाएगा नंबर के बाद उसका क्रेडिट होगा या क्योंकि हमने उसके बाद हमने क्या करना है कार्ड के अंदर जो वो कार्ड परचेज करेगा, हाँ अभी मैं सिर्फ उसको कार्ड का नंबर बता दूंगा और क्रेडिट जो इनिशियल कार्ड में सब में जीरो होगा, जब वो कार्ड सेलेक्ट करेगा उसके बाद उसका पैकेज वो सेलेक्ट करेगा ना, तो उसके बाद मैंने सिर्फ नंबर डिस्प्ले कर दिया उसका और यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसको मैं कहता यहाँ पे आपके पास एंट कार्ड चॉइस के नाम से एक वेरिएबल बना दिया जिससे वो सेलेक्ट करेगा कार्ड को, क्योंकि अभी हमारे पास कोई माउस क्लिक्स वगैरह है नहीं तो माउस से सेलेक्ट करें, इसलिए हमें चॉइस वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। कार्ड चॉइस है सी एन, कार्ड चॉइस को मैंने सी एन कर दिया, जैसे ही वो यहाँ पे मैं साथ काउंटर भी चला देता हूँ कि मेरे पास आ जाएगा आई प्लस वन के कौन सा कार्ड, वो वन करेगा तो पहला कार्ड सेलेक्ट होगा, टू होगा तो दूसरा सेलेक्ट होगा, थ्री होगा तो तीसरा सेलेक्ट होगा, जब वो चॉइस में करेगा तो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न क्या सी ऑफ चॉइस माइनस वन रिटर्न हो जाएगा। मुझे ये चाहिए था कार्ड, मुझे चाहिए था कार्ड, मुझे मिल जाएगा उस कार्ड के, वो कार्ड फिर मैं क्या करूँगा यूज़र को से परचेज करवाऊँगा। अब मैं जाऊँगा किसकी क्लास में, कार्ड की क्लास में, यहाँ पे क्या है कि कार्ड की क्लास में कस्टमर की परचेज सब्सक्रिप्शन की जो क्लास वो है कस्टमर की क्लास में, कस्टमर ने परचेज करना है तो इसके डॉट सी पी पी में जाके परचेज सब्सक्रिप्शन के नाम से एक होगा, यहाँ पे आप पहले इंक्लूड कर दो हैश इंक्लूड, क्योंकि अपनी मूवी शॉप को यूज़ करना है, मूवी शॉप को कर दिया। अब मैं मूवी शॉप, अब यहाँ पे ये एसोसिएशन है कि मैं फंक्शन के अंदर उसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब उसके ऊपर कोई क्लास आपकी डिपेंडेंट नहीं हो रही लेकिन एक फंक्शन डिपेंडेंट हो रहा है खाली। मूवी शॉप शॉप हो जाएगा, उसके बाद शॉप डॉट रिटर्न कार्ड कर देगा। अब जो रिटर्न कार्ड होगा इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेव करना है कार्ड जो वहां से मुझे कार्ड मिलेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया, जब वो कार्ड मुझे इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि मैंने वहां से रिटर्न कार्ड का पूरा ऑब्जेक्ट किया है, जब वो मेरे पास इस वेरिएबल में आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा, अब उसे पूछूंगा कि आपने, उसने कार्ड सेलेक्ट कर दिया, कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब उसे मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ आपने पैकेज कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो कहेगा यूज डॉट गेट पैकेजेस करेगा, अब वो यहाँ से पैकेज सेलेक्ट करेगा, जो पैकेज यहाँ से सेलेक्ट करेगा वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद पैकेज सेलेक्ट कर दिया, यूज कार्ड डॉट पैकेज में आपके पास ये है ना कि सब्सक्रिप्शन लेनी है कि ना उसने, कि पैकेज में आपके पास ये उसका कोड है, उसके अंदर इतना बैलेंस आपने डाल दिया, वो जब आप पैकेज सेलेक्ट करोगे तो उसका उतना बैलेंस आपके पास उसके क्रेडिट में आ जाएगा, वो आना भी चाहिए। मैंने पैकेज सेलेक्ट किया तो जो कार्ड की क्लास में है गेट पैकेज के नाम से था,
सेट सब्सक्रिप्शन मैंने कर दी, तो दिस डॉट सेट सब्सक्रिप्शन के अंदर मैंने दिस डॉट है, दिस डॉट क्रेडिट में मैंने उसका सेट कर देना है कि जो इसका बैलेंस था जो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, जो पैकेज होगा पैकेज के अंदर जितना होगा वो उसका क्रेडिट होगा ना, अगर 200 का पैकेज है तो 200 वाला होगा, 100 वाला होगा तो 100 वाला आ जाएगा। चॉइस माइनस वन डॉट गेट प्राइस, तो मैंने उसका क्रेडिट भी सेट कर दिया यूज़र का और वो भी कर दिया। अब ये सारा काम हो गया क्रेडिट डॉट एच के अंदर, वो परचेज सब्सक्रिप्शन करेगा कस्टमर डॉट सी पी पी के अंदर। मैंने सिर्फ फंक्शंस कॉल किए हैं, एक मूवी का ऑब्जेक्ट बनाया, वहाँ से मैंने कार्ड लिया कि मेरे पास दुकान में कितने कार्ड्स पड़े हुए हैं, और फिर यूज़र क्या करते हैं उसके अंदर पैकेज सेलेक्ट कर देता है। तो पैकेज सेलेक्ट करने के बाद ये आपका फंक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब अगर वो कस्टमर का आपने क्या करना है, कार्ड के अगेंस्ट आपने क्रेडिट देखना है, तो आप वो देख सकते हो कस्टमर की क्लास में हमने कार्ड, हाँ कस्टमर की क्लास में कार्ड सी है और ये आपके पास आ जाएगा। अभी जो गेट पैकेज है, अभी इसमें एक एरर है, वो मुझे बताओ तुम लोग क्या एरर है। मुझे एरर बताओ इसमें, इस जगह एक एरर है, लॉजिकल एरर है। एरर का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश करेगा या कोई और मसला है, सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे लॉजिकल एरर्स भी होते हैं, यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है। क्या एरर है तुम लोग ना सारे, मैं कौन सा वर्ड यूज करूँ, ये देखो ये कस्टमर डॉट एच है, यहाँ पे मैंने कार्ड का बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट सी। मुझे बताओ मैं कहाँ पे इस कार्ड के अंदर, क्योंकि मैंने कार्ड परचेज किया तो मैं कहाँ पे इसके अंदर वैल्यू सेट कर रहा हूँ। मैंने जब परचेज सब्सक्रिप्शन किया, ये देखो परचेज सब्सक्रिप्शन मैंने की, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कार्ड सारे रिटर्न करवाए, अब वो गेट पैकेज मैंने कर दिया। जब मैं गेट पैकेज में गया उसके डेफिनेशन में, यहाँ पे देखो गेट पैकेज में मैं गया तो मैंने यहाँ पे सेट सब्सक्रिप्शन किया है, कार्ड के अंदर उसको सेट सब्सक्रिप्शन किया है, उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। हमने तो इसमें नहीं करना, हमने तो यूज़र को परचेज करके देना है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, गलत नहीं किया हुआ, कार्ड परचेज किया और खुद ही कार्ड की क्लास के अंदर परचेज किया, उसको किसी यूज़र के साथ लिंक नहीं किया। यूज़र को कैसे पता लगेगा मेरे पास कौन सा कार्ड है। तो ये वाला जो काम है ना, ये वाला जो काम यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो। इसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा। मुझे यहाँ से कार्ड चाहिए, जैसे मैंने वहाँ से मूवी ली है, यहाँ से मुझे सिर्फ कार्ड चाहिए। अब कार्ड डॉट एच में जाके नहीं, कार्ड एट एच में जाके मुझे सिर्फ कार्ड चाहिए, तो जब कार्ड चाहिए होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा टोटल अंडरस्कोर एस के अंदर चॉइस माइनस वन। अच्छा ये सब्सक्रिप्शन है, रिटर्न कर रहा है, मुझे कार्ड चाहिए है, यहाँ पे प्लस वन हुआ है ना सर, ऊपर उसमें तो, लेकिन सर जो लूप से जो चलेगा वो तो उसमें से नहीं चलेगा, उसके जो एड्रेस में होंगे। नहीं ना, यहाँ पे मैंने लूप चलाया हुआ है और वो मैं दिखा रहा हूँ उसको कि यस डिस्प्ले करने, अगर मैं वन नहीं करूँगा तो वो जीरो से स्टार्ट जाएगा, जीरो वन टू थ्री स्टार्ट जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जीरो से ना हो, वन टू थ्री स्टार्ट हो, कि वो वन करे, फिर वन होगा बेसिकली, वो होगा जीरो लेकिन वो उसने वन सेलेक्ट किया होगा, तो फिर वो माइनस करूँगा मैं उसे एक, तो फिर वो जीरो हो जाएगा। मैंने तो इंडेक्स पे जाना ना रे के, तो वो इसलिए इसको कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, एक टेम्प्रेरी कार्ड का वेरिएबल बना दिया और कार्ड की सब्सक्रिप्शन जो मैंने यहाँ से यूज़र ने चूज़ की थी कि मुझे ये सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो उसने चूज़ करवा के उस कार्ड में ऐड करके मैंने रिटर्न कर दिया, सब्सक्रिप्शन उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद सी डॉट क्रेडिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो इसका क्रेडिट होगा वो कार्ड के अंदर वो ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, गेट प्राइस आ जाएगा। अब मैंने कार्ड का टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर पैकेज भी सेट करवाया यूज़र से और उसके अंदर जो क्रेडिट था वो भी सेट हो गया।
सेट होने के बाद मैंने वो कार्ड रिटर्न कर दिया। कार्ड रिटर्न होने के बाद कस्टमर डॉट सी पी पी के अंदर जाएगा, गेट पैकेजेस था, यूजर कार्ड डॉट गेट पैकेजेस करने के बाद मैंने इस कार्ड को किस में सेट करना है, जो कस्टमर के अंदर दिस डॉट सी के अंदर इसको मैंने क्या कर दिया, कार्ड कर दिया। तो इसको वो कह रहा है कि पॉइंटर है, तो मैं उधर से पॉइंटर ख़त्म कर देता हूँ, खाली कस्टमर, क्योंकि मैंने एक ही करना है तो उसके अंदर एक ही कर दी करके सेट कर दिया। परचेज सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और गो टू डेफिनेशन में गए, ठीक हो गया। अब आप देखो कि मैंने मूवी शॉप के टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया, वहाँ से सारी कार्ड्स लिए, कार्ड्स लेने के बाद मैंने उसमें पैकेज सेट करके कस्टमर के अगेंस्ट उसको सेट कर दिया, ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ लेकिन तुम वीडियोज़ देखोगे तुम इसको तो फिर हो जाएगा ठीक। इसमें प्रोग्रामिंग इतनी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को भी कभी एक जगह कॉल करूँ, कभी दूसरी जगह कॉल करूँ, फंक्शन को कॉल करूँ, वैल्यूज को, ऑब्जेक्ट्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, कोई इसमें इस तरह का नहीं कर रहा। अब मैंने क्या कर दिया था, पहले मूवीज़ बनाई थी, फिर कार्ड बना दिए थे, कार्ड बनाने के बाद मूवी शॉप में कार्ड्स को ऐड कर दिया था और वो सारा डिस्प्ले मैं नहीं करता अभी। अब मैं क्या करूँगा, एक कस्टमर बनाऊँगा, अभी मैं एक ही कस्टमर दुकान में लेके आता हूँ और कस्टमर है कस्टमर सी वन के नाम से मैंने कस्टमर को लेके आ गया, सी वन डॉट परचेज सब्सक्रिप्शन मैंने कर दिया। अब जैसे कस्टमर आएगा वो पहले परचेज सब्सक्रिप्शन करेगा, उसके बाद फिर वो ऑर्डर करेगा मूवी। तो हमने आज कहाँ तक किया है, पहले मूवीज़ को ऐड करवा दिया, फिर शॉप को ऐड करवा दिया, कार्ड को ऐड करवा दिया, उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, कस्टमर को ऐड करके परचेज सब्सक्रिप्शन करा रहे हैं। अब ये आर्गुमेंट मांग रहा है लेकिन इसमें आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, कार्ड को हम क्या करें कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे और कार्ड डॉट एच के अंदर भी इसको कोई आर्गुमेंट परचेज सब्सक्रिप्शन, ये कस्टमर है ना, कस्टमर डॉट एच के अंदर भी इसको कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, ख़त्म कर देंगे आर्गुमेंट, ठीक हो गया। गो टू डेफिनेशन में गए, मूवीज़ का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, कार्ड आ जाएगा, उसके बाद कार्ड सेट हो जाएगा और वो उसमें आ जाएगा। अब फिर मैं कार्ड है मेन में जाके अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस बंदे ने जो कार्ड लिया है, अब मेरे पास ना अब यहाँ पे आपके पास गेटर सेटर की अहमियत का पता लगता है। अब मैं मुझे देखना है कि इस बंदे ने कौन सा कार्ड लिया, मैं नहीं देख सक रहा, मुझे देखना है कि इस बंदे ने जो कार्ड लिया उसके अंदर बैलेंस कितना है, मुझे नहीं पता लग रहा। तो अब ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे गेटर सेटर लिखने पड़ते हैं, मैं इसको रन करूँगा लेकिन सबसे पहले मैंने ये कार्ड सी बनाया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ कार्ड रिटर्न, कार्ड के नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे जाके इसके जो कस्टमर डॉट सी पी पी की तरह ये है, कस्टमर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है रिटर्न कार्ड करके, और इसमें मैं दिस डॉट सी को रिटर्न कर रहा हूँ। जब मैं दिस डॉट सी को रिटर्न कर दूंगा मेन के अंदर, अब मैं जाके करूंगा सी वन डॉट रिटर्न कार्ड डॉट गेट क्रेडिट भी देख सकता हूं उसका मैं, अब उसका मैं नंबर भी देख सकता हूं, उसके अंदर मैं पैकेजेस भी देख सकता हूं और गेट सब्सक्रिप्शन भी कर सकता हूं, गेट सेट सब्सक्रिप्शन भी कर सकता हूं। तो मुझे सिर्फ उसका फिर देखना है कि गेट क्रेडिट देखना है कि इसके अंदर कितना क्रेडिट है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा ये रिटर्न मैंने नहीं लिखा था, तुम लोग सोए हुए हो, मुझे बताया नहीं था। अब ये देखो मूवीज़ क्योंकि खुद ब खुद ऐड हो गई उसके अंदर, सारा कुछ खुद ब खुद ऐड हो गया। अब वो सेलेक्ट कार्ड का मुझे पूछ रहा है लेकिन कार्ड कैसे सेलेक्ट होगा, वो डिस्प्ले नहीं हुआ, कार्ड इसने शो ही नहीं किए, कोई क्यों नहीं शो किए,